अब नहीं होगी मुंबई में दिक्कत, सड़क पर लौट रहे वाहन। सरकार की अपील पर फिर मिलेगा पेट्रोल डीजल। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में बस ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल से अफरा तफरी का माहौल हो गया था। पेट्रोल डीजल की मारामारी का आलम यह था कि जिस पंप पर स्टॉक था वहां पर दो पहिया और कारों की लाइन लगी हुई थी। महानगर क्षेत्र में जिस पेट्रोल पंप पर स्टॉक था वहां पर दो पहिया और कारों की लाइन लगी हुई थी। इस दौरान डीलर्स की ओर से अपील की गई कि पेट्रोल और डीजल की कमी नहीं है। बस ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल की वजह से पेट्रोल पंप पर आपूर्ति नहीं हो पा रही है, इसलिए जरूरत के अनुसार ही पेट्रोल और डीजल भरवाएं। वहीं पुलिस प्रशासन डीलर्स से कह रही थी कि पेट्रोल और डीजल लाने के लिए ड्राइवर से कहें, उन्हें डिपो से पेट्रोल और डीजल लाने के लिए पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि पुलिस प्रशासन के आश्वासन का कोई असर नहीं दिखा है। शिवशंकर ऑटो केयर के मालिक शिवशंकर दुबे ने बताया कि उनके खोपोली, करजत, रोहा सहित कई स्थानों पर पेट्रोल पंप हैं। मंगलवार को पेट्रोल पंप पर स्टॉक था, इसलिए बहुत अधिक असर नहीं पड़ा है। लोगों ने हड़ताल को देखते हुए वाहनों में पेट्रोल और डीजल भरवाया है। इसकी वजह से अगले दो दिन तक हड़ताल का व्यापक असर नहीं दिखाई देगा। अगर हड़ताल जारी रहती है तो जिन्होंने पेट्रोल डीजल भरवाया है वो खत्म हो जाएगा और तब दिक्कत बढ़ेगी। सबसे अधिक असर दूध और सब्जियों की आपूर्ति पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जहां जहां पर पेट्रोल पंप है वहां प्रशासन ने डीलर्स और उनके प्रतिनिधि के साथ बैठक की है। इसमें कहा गया है कि जिन डीलरों के पास अपने टैंकर हैं वे ड्राइवर्स को डिपो से पेट्रोल डीजल लाने के लिए कहें। इस दौरान उन्हें पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। दूसरी तरफ ड्राइवर्स का कहना है कि हड़ताल कुछ मुद्दों को लेकर हुआ है, सरकार को उस पर विचार करना चाहिए।